बीसीसीआई उपाध्यक्ष महिम वर्मा बने सीएयू सचिव। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का हुआ चुनाव। उत्तराखंड में क्रिकेट को ऊंचे मुकाम पर ले जाएंगे महिम वर्मा। फिलहाल बीसीसीआई में उपाध्यक्ष हैं महिम वर्मा, जल्द देंगे इस्तीफा। देहरादून के मुख्यालय में जीत के जश्न में उड़े अबीर गुलाल। महिम के पिता पीसी वर्मा की रणनीति हुई कामयाब। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड यानी सीएओ के सचिव पद पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष महिम वर्मा ने धमाकेदार अंदाज में जीत हासिल की। महिम वर्मा की जीत के जश्न में होली की खुमारी भी खूब चढ़ी और सभी मेंबरों और सपोर्टरों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाया। देहरादून के सीएयू दफ्तर में हुए इलेक्शन में टोटल 52 वोटों में से 32 वोट महिम वर्मा के सपोर्ट में गए। वहीं प्रतिद्वंदी संजय गुसाई को केवल 14 वोट पड़े और 6 वोट निरस्त पाए गए। जानकार बता रहे हैं कि बीसीसीआई उपाध्यक्ष महिम जल्द ही सौरभ गांगुली को अपना इस्तीफा देकर उत्तराखंड में क्रिकेट को नई दिशा देने के लिए पदभार संभाल सकते हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 11:30 बजे से मतदान शुरू हुआ जो दोपहर 2 बजे तक चला। सीएयू के सदस्यों के अलावा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी इस चुनाव के मतदान में हिस्सा लिया। महिम वर्मा की जीत की जानकारी मिलते ही महिम के समर्थकों में होली के जश्न का माहौल देखने को मिला। महिम के पिता पीसी वर्मा को समर्थकों ने फूल माला और गुलाल लगाकर जीत की शुभकामनाएं दी। बेटे महिम की इस जीत के बाद क्या बोले पिता पीसी वर्मा, पहले वो सुन लीजिए। और क्या प्रायोरिटीज है? प्रायोरिटीज क्या है, सब मिलकर काम करेंगे, डेवलप करेंगे क्रिकेट उत्तराखंड में और सब मिलकर रहेंगे। इलेक्शन खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। निर्विरोध कराए जाने की कितनी कोशिश की और उसका क्या? नहीं नहीं, ये चुनाव है, डेमोक्रेसी है, सब लोग लिबर्टी है, कुछ भी करें ठीक है। नहीं नहीं, अरे कोई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सब परिवार है, क्या हुआ, ताकत दिखा दे, हो गया सब अभी बराबर है सब। बहुत संघर्ष के बाद मान्यता मिली है, हम बीसीसीआई का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और चाहते हैं क्रिकेट क्रिकेट रहे और क्रिकेट में हमारे यहाँ के होनहार बच्चों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो, निष्पक्ष ईमानदारी से सिलेक्शन हो, चयन हो, एक अच्छी टीम बन के आए, प्रभावशाली टीम बने, क्योंकि टैलेंट और प्रतिभा का उत्तराखंड में कमी नहीं है। कमी है तो उसको तरसने की, तराशने की और परख की। दिग्गज उम्मीदवार माने जा रहे महिम को हराने के लिए हालांकि सभी खेमों में एकता भी हुई, लेकिन महिम वर्मा की चौसर पर उनके पिता पीसी वर्मा की बिछाई बिसात पर सभी दावपेंच धराशायी हो गए और पिता पुत्र का संघर्ष होली के रंगों में नया रंग लेकर आ गया। वहीं इस बेहद अहम पद पर काबिज होने के बाद समर्थकों से बात करते हुए बीसीसीआई उपाध्यक्ष महिम वर्मा ने कहा है कि वो जीत को लेकर बेहद खुश हैं और उत्तराखंड क्रिकेट को बेहद खास मुकाम और ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें उत्तराखंड को पहला राज्य बनने का सौभाग्य मिला। अब वो स्कॉलरशिप के जरिए पहाड़ के जरूरतमंद खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देंगे। गढ़वाल और कुमाऊं एकेडमी बनाने में तेजी लाई जाएगी, यहाँ प्रतिभावान खिलाड़ियों को हाई लेवल ट्रेनिंग देंगे। पहले मान्यता मिली है 13 से, उसके बाद मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। कोई बात नहीं है, यहाँ पे कई चीज़ें रुक गई थी और उसमें वापस लौट रहा हूँ। पहाड़ पर स्टेडियम कुछ ग्राउंड हायर करना था, अब जो फैसिलिटीज़ हैं वो जल्दी प्रोवाइड करना है। सीजन चालू हो जाएगा, क्यों प्रॉब्लम होगी, सीजन चालू हो गया और कुछ है नहीं फैसिलिटी। डेमोक्रेटिक तरीके से ये चुनाव किया गया और ये बहुत अच्छा था कि एक ये परिवार में चुनाव हुआ और चुनाव के दौरान जो भी हमारे साथी थे जिन्होंने भाग लिया, मैं उनको भी बधाई दूंगा कि कितनी शांतिपूर्वक और प्यार स्नेह से चुनाव किया गया और उन सभी मेंबरों को जो एक असमंजस की स्थिति में थे कई जगह पर, लेकिन उन्होंने एक सही निर्णय लेते हुए क्रिकेट को आगे बढ़ाने का एक प्रण लिया और आज महिम वर्मा को विजय बनाया। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि नए नवेले एसोसिएशन में राजनीति भी जमकर हुई और खेमों में बटे चुनाव को कई दिग्गज एकमत से कराना चाहते थे, लेकिन अंत में चुनाव कराना पड़ा और जैसी कि उम्मीद थी महिम की जीत के बाद महीने भर से चल रहा ये सियासी खींचतान अब खत्म माना जा रहा है। जय भीम टीवी के लिए साजिद अली की रिपोर्ट।